बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 बातें जो रोज़ ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद है। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे चेहरे को पूरा रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तग़फार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दरुद पढ़ो। अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। अगर बगैर थकावट नेकियां चाहते हो तो इसे आगे भेजो और समझो, ये तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के लिए सदक़े जारिया है। फॉरवर्ड टू ऑल। क़यामत के दिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ। जवाब, अपनी हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट करें। फर्स्ट अमीन, सेकंड अमानत, थर्ड जन्नत, फोर्थ शहादत, फिफ्थ फर्ज। ये वो बात है जो बहुत कम से लोग को मालूम होगी। प्लीज दीन इस्लाम को फैलाइए। 5 जगह हंसना 25 गुनाह के बराबर है। कब्रिस्तान में, जनाजे के पीछे, मजलिस में, तिलावत कुरान में, मस्जिद में। सिर्फ एक बार भेजो, बहुत लोग इस गुनाह से बचेंगे। अकेले हो, अल्लाह को याद करो। परेशान हो, दरूद पाक पढ़ो। उदास हो, या हय्यू या क़य्यूम पढ़ो। टेंशन में हो, या रहीमू पढ़ो। फ्री हो, फॉरवर्ड करो। या अल्लाह हम पर और तमाम उम्मत पर रहम फरमा, आमीन। इंफॉर्मेशन, क्या आप जानते हैं कुरान पाक को सुनने से कैंसर नहीं होता, बल्कि कैंसर सेल अगर हो तो वो भी मर जाते हैं। लंबे सजदे करने से जहन तेज होता है, सर दर्द और बाल गिरने से बचाता है। तशहुद के दौरान उंगली उठाने से दिल मजबूत होता है। ये मैसेज शैतान फॉरवर्ड करने से रोकेगा, मगर आप ऐसा होने ना दे और सब कॉन्टैक्ट को सेंड कर दें। फॉलो कुरान एंड सुन्ना। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। बहुत से लोग इसको खुद ही दावत देते हैं। बहुत मामूली एहतियात करके इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी खून में मौजूद कैंसर का सबब बनने वाले सेल्स को ऑक्सीजन फराहम करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के पहले पानी पीना शिफा है, खाने के बीच में पानी पीना दुआ है, खाने के ख़त्म होने के पहले पानी पीना दवा है, खाने के बाद पानी पीना वबा मीन्स बीमारी है। बेहतर है खाना खत्म होने के कुछ देर बाद पानी पिए। ये बात उनको भी बताएं जो आपको जान से भी ज्यादा अजीज है। जो शख्स सोते वक्त 21 बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि इसकी हर सांस के बदले नेकी लिखो। आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव हैं उन सबको फॉरवर्ड करें और देखें आज आपकी वजह से कितने लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। शिफा ही शिफा। रोज एक एप्पल, नो डॉक्टर। रोज 5 बादाम, नो कैंसर। रोज एक लेमन, नो फैट। रोज एक ग्लास मिल्क, नो बोन प्रॉब्लम। रोज 12 ग्लास पानी, नो स्किन प्रॉब्लम।